जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है नेशनल कोबरा कैडेट यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे देखिए कि मैं आपको नोटिफिकेशन जो है असम राइफल भर्ती का मैं फॉर्म भरने के लिए आपको बताने जा रहा हूँ कि आप फॉर्म कैसे अपना फिल करेंगे, या जो आपका यह वैकेंसी आई हुई है 616 या कितना पोस्ट के अगेंस्ट है। तो ये जो है 17 तारीख से आपसे बोला था कि फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा और टेलीग्राम पे आपको सेंड कर दिया था, यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिए नोटिफिकेशन। बाकी चलिए मैं आपको फॉर्म को फिल करने के लिए बता रहा हूँ। तो आप सबसे पहले जाइए असम राइफल लिख दीजिए। असम राइफल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए मैं ये डायरेक्ट मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पर क्लिक करके आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ऐसे इस प्रोसेस के थ्रू आ सकते हैं। तो लिंक से आप डायरेक्ट आ जाइएगा। तो यहाँ पे आ जाइए आप, ये देखिए ट्रेड्समैन ये रैली 2023 का हो गया मेल आपको यहाँ पे अपना। आप यहाँ से टेरिटरी को सब कुछ सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप किस ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपना नोटिफिकेशन के हिसाब से देख लीजिए किस ट्रेड में वैकेंसी है। अगर नहीं वैकेंसी रहेगी तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ उत्तर प्रदेश हवलदार क्लर्क के लिए। तो यहाँ पे देखिए एससी ओबीसी ही सिर्फ दिखा रहे, यानी कि एससी ओबीसी में ही सीट आई हुई। यहाँ से मैं क्लर्क को यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ ट्रेड को। यहाँ पे देखिए सिर्फ जनरल में आई है, फार्मासिस्ट में, ठीक है। तो यह अपने से इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिसमें है, अब इसमें एससी ओबीसी में है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखिए यह पूरा आपका हो गया, मिला करके चलिएगा गलत ना हो। फिर आपको यहाँ पे टाइपिंग के लिए बोला गया, आगे टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांगेगा, आई एग्री पे करिए। हैव यू सेलेक्टेड करेक्ट ट्रेड फॉर अप्लाइंग, ओके हवलदार क्लर्क के लिए उत्तर प्रदेश से सेलेक्ट किए हैं आपको। फिर ऐसा नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आएगा, देखिए पोस्ट हवलदार क्लर्क क्लर्क के लिए कैटेगरी ओबीसी के लिए जेंडर मेल के लिए, यहाँ पे अपना बाय डिफॉल्ट लग के आ जाएगा मिस्टर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको टॉप पे आधार कार्ड नंबर लिख देना है। अब उसके बाद आप नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, अब यहाँ पे जब आप देखिए अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम लिख करके आएंगे, डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से भरिएगा, बहुत ध्यान से आप इसको फिल करिएगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर और ये फ़ोन, इसको इस वाले को आप ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर, मेल आईडी, मेल आईडी पे जब आप आ जाइए मेल आईडी को बिल्कुल आप सही से भरिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी पे आपको आगे का कॉल लेटर, ये एडमिट कार्ड के बाद हर एक चीज़ आपको इसी पर भेजा जाएगा, ठीक है। तो आप मेल आईडी को बिल्कुल सही से भरिएगा, जल्दी नहीं करिएगा, आराम से इत्मीनान से देख करके चेक करके भरिएगा। फिर उसके बाद ये जो है सेलेक्ट कम्युनिटी इफ़ एनी, इसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ गढ़वाली कुमाऊनी ये सब भर देते हैं, आपको ये कुछ नहीं करना है। अगर आप इससे नहीं हैं, यहाँ से डोगरा इन सब से नहीं है, असम से, इसको बिल्कुल आप छोड़ दीजिए अगर आप इस एरिया से नहीं हैं। बहुत लोग इसमें गलत फिर कर दे रहे हैं। और यहाँ पे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है आपको, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को छोड़ दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट में आप फिल कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट को फिल करने के बाद यहाँ पे आपका करेस्पॉन्डेंस में सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर उसके बाद पिन कोड। और यहाँ पे अगर वही आपका सेम है तो आप सेम पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अगर आपका सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो फिर इसको रहने दीजिए, ठीक है। अब फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, और साइज़ आपका 50 से 80 केबी के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। 50 से 80 केबी आप बना लीजिएगा, ठीक, 50 से 80 के भी। देखिए यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट 59.4 है, तो इसको यहाँ से कर ले रहे हैं, और यहाँ पे आपको अपना कास्ट को फिल कर देना है, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे 12th का पूछा हुआ है, 12th का आपका क्या है, 12th में आप यहाँ पे अदर साइंस सीबीएसई जो भी आपका बोर्ड है उस बोर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, पासिंग ईयर आप सेलेक्ट कर लीजिए, टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का था, ऑप्टेंट कितना मिला है, और उसके बाद आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक ग्रेड इंटर हो जाएगा, ठीक है, जितना भी आप पाए रहेंगे, जितना भी आपका रहेगा। डिग्री है, ग्रेजुएशन है, तो इसको सेलेक्ट करके, जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको यह सर्टिफिकेट भी साथ में ले करके जाना होगा, क्योंकि साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आप छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होता है कि आपको आगे कहीं पर अगर इंटरनल एग्ज़ाम होता है भर्ती, मतलब कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें आपको कुछ वरीयता मिल जाती है। और फिर यहाँ पर आप अदर में कुछ भी लिख सकते हैं, आप अगर कोई कोर्स वोर्स किए हैं कुछ किए हैं। और यहाँ पे देखिए टाइपिंग सर्टिफिकेट आपको आपके लिए ज़रूरी है, अब इसमें आप गवर्नमेंट का भी दे सकते हैं अगर गवर्नमेंट से किए, नहीं तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट का जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो उससे वो भी दे सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए जिस इंस्टीट्यूट से आपको इश्यू हुआ है वहाँ का आप क्या लिखिए, नाम लिख दीजिए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल जो भी है, या तो ट्रिपल सी है, तो आप उसको भी यहाँ पर दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप टाइपिंग सर्टिफिकेट ही दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे
एक्सपीरियंस में 00 रहने दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट आपको ये टाइपिंग वाला अपलोड करना होगा, तो टाइपिंग का या आपका वही डिप्लोमा का जो भी सर्टिफिकेट होगा आप उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और साइज़ क्या वही 50 से 80 KB वाला है। डू यू एग्री टू अपलोड रिजल्ट ऑनलाइन डिक्लेरेशन, इसको क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्या एडवर्टाइजमेंट किसके अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर डिपार्टमेंटल हैं तो इसको करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, आपको फोटोग्राफ को अपलोड करना है। फोटोग्राफ का साइज़ कितना होना चाहिए, 30 से 50 KB के बीच में, मार्कशीट का भी 30 से 50 KB में, और डॉक्यूमेंट का आधार कार्ड, डोमिसाइल जो भी आप ले लीजिए, जैसे आधार कार्ड ले लीजिए तो आधार कार्ड में आपका कितना 80 KB तक होना चाहिए, 50 से 80 KB के बीच में, और फोटोग्राफ आपका 30 से 50 KB के बीच में, 10th की मार्कशीट अगेन 30 से 50 KB में। तो ये सब कुछ हो गया आपका। फिर यहाँ पे जो भी ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल इफ एनी, इस पे आप किसी पे भी क्लिक नहीं करिएगा, ठीक है, क्लिक मत करिएगा। यही आपसे, अगर आप कैफे पे फॉर्म फिल कर रहे हैं किसी का, अगर आप खुद कैफे चला रहे हैं किसी का, भाई साहब क्लिक इस पे टिक मत करिएगा चेक बॉक्स पे। आप लोग बहुत फॉर्म को गलत करते हैं, और जो फॉर्म भरवाने जा रहे हैं वीडियो देख रहे हैं तो वो खुद ध्यान से देखिएगा, इस पे मत क्लिक करिएगा, टिक मत लगाइएगा। और यहाँ कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का आप एड्रेस लिख दीजिए, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, कैप्चा कोड लिख देना है, फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, और डेट आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे आ जाएगा कि इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू करेक्ट, योर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड इफ़ एनी इंफॉर्मेशन फाउंड इनकरेक्ट एट एनी स्टेज। तो आप देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से मिला लीजिए, हवलदार क्लर्क के लिए कैटेगरी OBC मेल, कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन सबको एक एक चीज को अच्छे से मिला लीजिएगा। अगर आपको एडिट करना होगा तो यहाँ पे रिव्यू एंड एडिट पे कर देंगे, नहीं तो फाइनल सबमिट पे कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कि आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे, तो ओके कर दोगे, दो बार ओके पे क्लिक करना होगा, फिर आपका यह फॉर्म फिल आगे की तरफ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लीज़ कंप्लीट द पेमेंट प्रोसेस, और यह 50 से 80 KB में आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ से कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, बैंक से चालान करना चाहते हैं या ऑनलाइन पेमेंट, तो यहाँ पे क्लिक हियर ऑनलाइन करना कर दीजिए, 100 रुपये या सी ग्रुप। तो जब आप इस स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि मेघालय को सेलेक्ट कर लेना है। मेघालय में जब आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए SQDGR हेड क्वार्टर डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल का रिक्रूटमेंट ब्रांच पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करते हुए आप आ जाएंगे Group B ग्रुप सी के लिए। ग्रुप सी पे आप कर देंगे, ग्रुप सी पे करते ही आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा, फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, फिर उसके बाद पिता का नाम, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद किस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद किस कैटेगरी से, देखिए कैटेगरी आप ध्यान से सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन सी कैटेगरी है, ठीक है, OBC। अब यहाँ पे देखिए SC नहीं दे रहा है, क्यों भाई साहब, SC ये जनरल गड़बड़ हो गया, तो आप देखिए यहाँ पे आप अपना देख लीजिएगा भाई साहब, ये तो जनरल का दे ही SC का दे ही नहीं रहा है, ठीक है। स्टेट उस्टेट सब कुछ तो सही सेलेक्ट है। अब स्टेट टेरिटरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस यहाँ पे रिमार्क लिख दीजिए कि कुछ भी लिख दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है इंटरव्यू डिटेल। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे कर दीजिए। अब पेमेंट डिटेल का यहाँ पे वेरिफिकेशन है, यह स्लिप आपको ले करके जानी होती है, तो इसको आप एक बार मिला लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पे कर दीजिए, 100 रुपये आपके कटेंगे। अब आप देखिए अदर इंटरनेट बैंकिंग से इतना, और यहाँ की इंटरनेट बैंकिंग से इतना, रुपए से इतना, क्रेडिट से इतना, और यहाँ प्रीपेड कार्ड से इतना, सब आप चार्ज देख लीजिए। तो यहाँ सबसे सही UPI चार्ज, UPI इज़ नॉट अवेलेबल, आपको रात को इतने बजे से नहीं अवेलेबल रहता है, तो हम क्यों उतना पैसा कटवाएं, UPI से ही कर दे रहे हैं। UPI से करते ही आपको यहाँ पे QR कोड का भी ऑप्शन आता है, जैसे आप QR कोड पे करेंगे तो QR कोड ओपन होकर के आ जाएगा, यहाँ से आप स्कैन कर लीजिए। देखिए योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कम्प्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए, ये आपको मिला है कन्वीनियंस चार्ज, 0 रुपीज़ कटा है, और यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से रिटर्न टू स्टेट बैंक कलेक्ट होम पेज पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसका कोई मतलब नहीं इस पेज का। अब इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए ऑनलाइन पेमेंट चलान नंबर, ऑनलाइन पेमेंट बैंक चलान डेट और नेम, और यहाँ से आपको
अपलोड करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं रिसिप्ट को अपलोड कर लिया, और इसको आपको बहुत ध्यान से देख करके भैया भरिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैं सेव चालान पे क्लिक कर दें, मेक श्योर आपका चालान सही हो, और यहाँ पे आपको JPEG में करना है। प्लीज़ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड वेट फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेड्यूल चेक। यार चलिए भैया चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको AR ID नंबर मिल चुका है, AR 2023-1006 फॉर्म फिल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे कर दीजिए। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट में करते ये पेज आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपका प्रिंट एप्लीकेशन पे करेंगे तो प्रिंट एप्लीकेशन पे कर दीजिए, आपका वो एप्लीकेशन वाला पेज देखिए ओपन होकर के आ जाएगा। ये देखिए आपका एप्लीकेशन वाला पेज ओपन होकर के आ गया, हालांकि मैं इसे ब्लर कर दिया हूँ। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे जो चालान नंबर लिखा गया है आज डेट आप देख सकते हैं। हालांकि आपको मैं पहले ही बता दिया था इन सब के बारे में कि आपका कैसे कैसे आ रहा है क्या है। ठीक है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करने के बाद आप ये देख सकते हैं ऐसा आ जाएगा पेज, प्रिंट करके अपना रख लीजिए। यही था इस वीडियो में कि आप अपना फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। अब जिन लोगों का है अपना भरिए, और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद।